सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जस्ट अभी मैं देख के आया हूँ द केरला स्टोरी मूवी। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं। और इस मूवी को देखने के बाद यार, मैं इसको मतलब देखने तो ऐसे मूवी गया था मैं, लेकिन यार देख के जब इसका सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था यार, मूवी वाली मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही थी। सब कुछ ऐसे ही लग रहा था कि जो रियल स्टोरी है, जो रियल लोगों में भी था, बिल्कुल वो चीजें दिखाई गई है। तो मूवी वाली तो यार मेरे को फील आई नहीं इस मूवी से। तो एक डॉक्यूमेंट्री वाली लगा मेरे को इसमें, कि जो हुआ था उनके साथ, जो बीतती थी चीजें, वो दिखाई गई है इस मूवी में। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि मेरे को कैसा क्या लगा इस मूवी को देख के। थोड़ा बहुत इसमें टेक्निकल चीजों के बारे में बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये पूरी मूवी बेसिकली बेस्ड है जो कन्वर्जन्स होते थे, जो केरला में कन्वर्जन्स हुए थे, लड़कों के हुए थे, लड़कियों के हुए थे इस्लाम में। तो उन कन्वर्जन के बारे में मतलब एक एक चीज दिखाई गई है बिल्कुल, ये कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता था, कैसे उनका बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता था। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें इस मूवी में देखने को मिल जाएंगी, जो भी आपको अगर नॉलेज भी ना हो। मेरे को भी इतनी नहीं थी इस टॉपिक के बारे में, तो मेरे को भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इस मूवी से। तो उससे देखा जाए तो यार ये मूवी सबको देखने जानी चाहिए यार, क्योंकि इंडिया का यार बहुत कह सकते हैं एक डार्क हिस्ट्री रही यार ये केरला स्टोरी। तो सबको यार देखनी तो जरूर चाहिए ये मूवी। और गाइज, मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूँ यार, अपनी फैमिली के साथ ना ये मूवी बिल्कुल भी यार गलती से ही मत देखने चले जाना, नहीं तो यार सबके मतलब मुंह ऐसे ऑकवर्ड हो जाओगे, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे सारे के सारे। तो यार फैमिली के साथ तो यार बिल्कुल भी मत देखने जाना ये मूवी। ऐसे ऐसे सीन्स आएंगे इसमें, मतलब आपको खून देखने को मिल जाएगा, इतने ब्रूटल तरीके से आपको रेप, मतलब ऐसे यार सीन बहुत ज्यादा है इस मूवी में। तो बहुत सीन्स में यार आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तो दिक्कत बनेगी। तो यार अपना देखने जाओ तो यार अकेले देखने जाओ, और यार जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए तो यार उनको तो ये मूवी देखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो 11, 12 साल के है, 10 साल के है, तो यार उनको तो देखनी नहीं चाहिए मूवी। तो चलिए सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मूवी की स्टोरी बेस्ड है तीन गर्ल्स के ऊपर, जो अपना पढ़ाई के लिए जाती है केरला में, एक जगह में जहाँ पे उनको मतलब कॉलेज में जाती है, ऐसा कुछ माहौल देखने को मिलता है टेररिज्म से रिलेटेड। बाहर वहां पे उसामा बिन लादेन के पोस्टर लगे होते हैं, तो मतलब माहौल स्टार्टिंग से उनको खराब देखने को मिलता है। और उनकी जो रूममेट होती है वो होती है एक मुस्लिम। फिर मूवी के स्टार्टिंग से आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि कैसे वो मुस्लिम लड़की सारा कुछ प्लान करती है, कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसको सब कुछ सिखा के भेज रखा होता है। ले करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। कैसे इन तीनों का वो ब्रेन वॉश कर रही होती है, और धीरे धीरे कैसे वो कामयाब हो जाती है, क्या क्या टेक्निक लगाई जाती है, उनको पिल्स दिए जाते हैं, उनको मोलेस्ट किया जाता है, मतलब ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाया जाता है इस मूवी में। और फिर उनका जब कन्वर्जन का टाइम आता है तो कुछ लड़कियां उनमें से मना करती है, तो उनकी क्या हालत की जाती है आपको वो दिखाया जाएगा। जो भागने की कोशिश करती है उनके साथ क्या किया जाता है, वो आपको सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। तो मूवी में जितने भी सीन्स थे वो थोड़े बहुत आपको रियल भी लगेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी लगेंगे कुछ टाइम, और आपको मतलब आंखें भी भराएंगे आपके। एक दो सीन में ऐसे ऐसे सीन आएंगे, जब आप ये चीज़ सोचोगे कि ये सब कुछ रियल में हुआ, तो यार आपकी फीलिंग ही मतलब दूसरी हो जाएगी बिल्कुल, आप मूवी की तरह इसको देखोगे ही नहीं बिल्कुल। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ दिखाई गई है वो भी यार काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। डायलॉग्स तो इसमें ऐसे ऐसे खून खौला देने वाले हैं ना बिल्कुल, मतलब जो हिंदू ऑडियंस थी यार उनका तो मैं खुद फील कर रहा था यार। ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे इसमें, ऐसे शिव भगवान के बारे में ऐसे ऐसे डायलॉग थे, श्री राम भगवान के बारे में ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिख रखे थे। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? तो डायलॉग्स जितने भी थे यार बहुत प्रोवोक करने वाले थे वो जनता को, और शायद ऐसा होता भी होगा। तो यार ये चीज मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, मतलब जो दिखाना चाहते थे वो तो उन्होंने अच्छे से दिखाया, लेकिन जो ऑडियंस को प्रोवोकेशन होना वो बहुत गंदा होएगा इस मूवी से। और भाई जिस तरीके से इसमें इस्लाम धर्म को दिखाया गया है, तो मेरे को इतनी कोई नॉलेज तो है नहीं इस्लाम धर्म के बारे में, लेकिन जो भी इस मूवी में दिखाया गया है ना, तो उससे मेरे दिमाग में यार कोई अच्छी इमेज तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। मतलब जितनी भी सारी चीजें दिखाई गई है कि ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा, ये पाप है वो पाप है, तो ये जितनी भी चीजें थी यार बहुत इरिटेट कर रही थी मेरे को। तो अगर रियलिटी में ऐसा आता है यार मेरे को तो क्या ही बोल लो यार इस चीज के बारे में। अपना हिंदू धर्म यार बहुत अच्छा है, बहुत
रिच है, मतलब सनातन धर्म या सबसे बेस्ट कह सकते हो। बात करें अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो इसकी मेन लीड में है अदा खान और उनका काम यार उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। जितने भी उनके सीन्स थे जिनमें भी उनको इमोशनल होना था, जितने भी इमोशन दिखाने थे, सारे पुख्ता तरीके से इतने अच्छे तरीके से दिखाए उन्होंने हर एक सीन में। जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था, जब वो उनको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो एक्टिंग यार बहुत अच्छी की उन्होंने, हर चीज अच्छे तरीके से दिखाई है बिल्कुल। बाकी इसमें सपोर्टिंग कास्ट का काम मेरे को ठीक ठाक ही लगा, ऐसा कुछ खास लगा नहीं मेरे को। जो पुलिस वालों का रोल था वो भी ऐसा कुछ खास लगा नहीं मेरे को। जो इसमें माँ का रोल जिसने प्ले कर रखा था अदा खान की, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। तो कुल मिला के काम ठीक ठाक कर रखा है एक्टर्स ने इस मूवी में। लेकिन एक जो चीज़ मेरे को मिसिंग लगी अदा खान को छोड़ के, बाकी सारे जो एक्टर्स थे उनसे यार आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे यार, मैं तो नहीं कर पाया। बाकी यार आपका पता नहीं मेरे को, लेकिन मुश्किल लग रहा है मेरे को। जैसे कश्मीर फाइल के टाइम पे उसमें दिग्गज कलाकार लिए गए थे, मिथुन चक्रवर्ती हो गए, अनुपम खेर की परफॉर्मेंस तो यार बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे थी उस मूवी में। देखते ही आंखों में आंसू आ जाए, ऐसी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। तो थोड़ी सी वो चीज़ मेरे को इसमें मिसिंग लगी एक्टर्स की परफॉर्मेंस में। स्क्रीन प्ले की बात करी जाए तो पहला हाफ मूवी का थोड़ा सा आपको ड्रैग्ड आउट लगेगा, थोड़ा सा स्लो लगेगा, सीन्स थोड़े बहुत रिपीटेटिव से लगेंगे। मतलब बार बार एक टॉपिक है और उसको बार बार दिखाया जा रहा है, तो पहला हाफ थोड़ा सा आपको ड्रैग्ड आउट लगेगा। दूसरा हाफ मूवी का काफ़ी ज़्यादा पेस पकड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें सीन्स ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल कुर्सी पर हुक होके बैठते हो। दूसरा हाफ मूवी का काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के स्क्रीन प्ले आप इसका कह सकते हो 50-50 कह सकते हो स्क्रीन प्ले इसका। और बैकग्राउंड स्कोर की बात करी जाए तो बैकग्राउंड स्कोर मेरे को कुछ ऐसा खास लगा नहीं। एक मेरे को याद है यार, वो बहुत तगड़ा हिट कर रहा था मेरे को। मतलब जब भी उनको कन्वर्ट करने के लिए जो डायलॉग बोल रहे थे ना इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लड़कियों को, तो साइड में आपको बैकग्राउंड स्कोर में ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है जैसे चाबुक मारते हैं ना। मतलब वो चीज़ आपको अलग ही हिट करती है यार जब भी आप मूवी देखते हो ना। मतलब सीन में आपको पहले ही दिख रहा है कि इतना बुरा हो रहा है, इतना अजीब हो रहा है, फिर पीछे से वो चाबुक वाला है, तो यार वो चीज़ उसको ना एग्जैजरेट अलग ही लेवल पे कर देती है। तो ये वाला जो बैकग्राउंड स्कोर इन्होंने चुना था वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी गाने इसमें साउथ के हैं तो वो आप ठीक ठाक कह सकते हो, ठीक ठाक लगेंगे मूवी में गानों का, बाकी इतना काम था नहीं मूवी में। तो गाइज ये कुछ बातें थी जो मेरे को इस मूवी के बारे में बोलनी थी, जो मेरे को फील हुआ मैंने वो बोला इस वीडियो में। बाकी यार जो भी आपको ये मूवी देख के फील होता है यार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना मेरे को। और यार आपने अगर ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो यार देख के इस मूवी को, अपना सिंगल जाके देख के अपने दोस्तों के साथ चले जाओ यार, लेकिन फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत जाना ये मूवी देखने। और यार इसको मूवी की तरह आप देख ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा सब कुछ रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। बाद में आपको क्रेडिट सीन में सब कुछ उनके इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा और इमोशनल कर देते हैं। तो एक मूवी की तरह नहीं, इसको आप एक इंसिडेंट की तरह देखने जा सकते हो कि रियल लाइफ में क्या हुआ था उनके साथ, उन लड़कियों के साथ क्या बीती होगी, तो उस वे में आप इस मूवी को देखने जा सकते हो। तो गाइज मेरे हिसाब से ऐसा सिनेमा यार और ज्यादा प्रमोट होना चाहिए, काफी ज्यादा ब्रेव अटेम्प्ट भी था ये। बेशक कश्मीर फाइल से थोड़ा सा आप इसको नीचे कह सकते हो, लेकिन यार ऐसी अगर मूवीज बनती रहेंगी तो हमारे लिए यार काफी अच्छा होगा। मतलब ऐसा सिनेमा हमको देखने को मिलेगा, तो रियलिटी वाला जो सिनेमा होता है यार वो अलग ही चीज होती है बिल्कुल। तो विपुल अमृतल शाह ने ये मूवी बना रखी है, तो यार काफी अच्छा ब्रेव अटेम्प्ट लगा मेरे को उनकी तरफ से। और काफी टाइम बाद मेरे को थिएटर में भी इतनी भीड़ देखने को मिली है, तो मेरे हिसाब से तो यार ये मूवी अच्छी चली जाएगी और चली जानी भी चाहिए। अजंता यार काफी मतलब अपनी तरफ से जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रही है इसको, तो यार अच्छी चीज है ये। तो गाइज ये था मेरा इस मूवी के बारे में जो मैंने फील किया। बाकी यार आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। तो मिलते हैं यार किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।